हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मन ना लगे तो क्या करें। ये हमारी वीक टू पीक की थर्ड वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यार, क्योंकि हमारी फाउंडेशन वीडियो की लास्ट वीडियो है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वीक टू पीक में हम स्टार्टिंग में कुछ फाउंडेशन वीडियो लेकर आएंगे जो कि हमारी वीक टू पीक सीरीज का एकदम फाउंडेशन बनेंगे, और अगर आपने इन वीडियो को अच्छे से देख लिया और एक सेकेंड के लिए भी स्किप नहीं किया तो आगे की वीडियो आपको बहुत आसान लगने वाली है। अब इस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियो आएंगी यार, वहाँ पर हम मेन टॉपिक कवर कर रहे होंगे, जैसे कि पढ़ाई कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, हम भूल जाते हैं तो क्या करें, ऐसे पूरी वीडियो आएंगी। लेकिन उन वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये तीन वीडियो, जो पहली हमारी प्रॉमिस वाली आई, फिर बैकपैक वाली और ये आज वाली वीडियो, इन तीन वीडियो को देखना मस्ट है, तो इनको स्किप मत करिएगा। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यार, अगर डर लगता है तो क्या करें। अब आप बोलेंगे भैया भूल गए क्या, आपने बोला था मन ना लगे तो क्या करें, अब आप डर की बात कर रहे हैं। तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यार, कि मन का और डर का क्या कनेक्शन है। जितना हमने समझा है, देखा है यार, तो हमें तो यही लगता है कि मन की बात ही नहीं होती है, बात होती है डर की। अब उसको हम पूरा क्लियर करते हैं यार। तो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। आपने अक्सर खुद को बोलते हुए भी सुना होगा और दूसरों को बोलते हुए भी सुना होगा कि यार इस काम में मेरा मन नहीं लगता या अभी मेरा करने का मन नहीं है, ये चीज़ें हम बोलते रहते हैं। तो आखिर अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें यार, तो हमारा किन चीज़ों में मन नहीं लगता है। तो यार कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने करी या हमने किसी और को करते हुए देखा या सुना, और इसके बाद ये चार चीज़ें हुई। सबसे पहली हम अनसक्सेसफुल हो गए, हम हार गए पूरी तरीके से, और उसके बाद हमारे अंदर डर बैठ गया कि यार उससे नहीं हो पाएगा, मैं हार गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आउटकम सही नहीं आया। मतलब कुल मिला के यार, सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैंने सोचा था इस काम करने के बाद मुझे इस लेवल की सक्सेस मिलेगी, लेकिन मुझे इसी लेवल की मिल पाई। मतलब मैंने मेहनत पूरी करी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस वजह से जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो इसके बाद हम हार जाते हैं। यहाँ पर एक केस ये भी होता है यार, कि लोग गलत तरह की एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। मतलब जब लेवल ही ये है और आप ये लेवल सोच के काम करोगे तो आप कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसको यार हम इस वीडियो के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो आपका एक जजमेंट एरर हो गया। यहाँ मैं बेसिकली उस आउटकम की बात कर रहा हूँ जो आपने एक्सपेक्ट करी थी और वो पॉसिबल थी, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हमारा मन लगना बंद हो जाता है। इसके बाद तीसरा आता है, जब बहुत सारी हमको प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब कोई हम काम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम आई, दो आई, तीन आई, हमें इतनी चोट लगने लगती है कि हम गिर जाते हैं, उसके बाद हमारा मन नहीं लगता। और चौथा आ जाता है यार, जब हमारा गोल ही नहीं होता है कोई बड़ा। मतलब जब आपने कोई बड़ा गोल ही नहीं बनाया तो आपका काम करने में मन कैसे लगेगा। जैसे अगर मैंने गोल बना लिया कि मुझे पूरे इंडिया में टॉप करना है, तो भाई मेरा पढ़ाई करने में मन लगने वाला है, वरना मेरा मन ही नहीं लगेगा। अगर मैंने बोल दिया बस पास हो जाऊं मैं, तो मन नहीं लगने वाला। तो ये चार चीजें हमारे सामने आती हैं यार। सबसे पहले फिर से बताता हूं, अगर फेलियर आ गया हमारे सामने, हम अनसक्सेसफुल हो गए। दूसरा आता है, हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम हमें नहीं मिला। तीसरा हमारे सामने आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो जाना। और चौथा आता है कि हमारा गोल ही नहीं था उस तरफ। इनको बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। ये वीडियो बनाने के पहले हमने बहुत देर काम किया है इसकी स्क्रिप्ट लिखने में। ज्यादातर मैं वीडियो में कभी स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूं, लेकिन वीक टू पीक में हम नहीं चाह रहे हैं कि छोटी सी चीज भी मिस हो। तो ये चार चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। अब इन चार चीजों का अगर हम बहुत कॉमन चीजें निकालें तो वो ये आती है यार, कि अगर हमारे पास इनसिक्योरिटीज हैं, मतलब हमें डर लगता है और हमारा कुल मिला के ऐसा कि बहुत सारे डाउट होते हैं कि यार मैं इस काबिल नहीं हूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने तो ट्राई कर लिया लेकिन मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, एंड सो ऑन। जब ऐसे डाउट, ऐसी इनसिक्योरिटीज हमारे सामने आती हैं, तो हम हार मान जाते हैं, हमारा मन लगना बंद हो जाता है। इसके बाद आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मतलब कुल मिला के मैं बोल दूं मेरे को टॉपर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा गोल वाली साइड की चीज आ जाती है। और यहाँ पर बेसिकली ये चीज आती है, आप बोलेंगे अगर गोल बड़ा नहीं है तो ये डर में कैसे आ गया। देखिए यार, इस संसार में कोई भी छोटे गोल के लिए पैदा नहीं होता है। कोई ये कभी नहीं बोलता कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे गोल को छोटा कर देती हैं, खत्म ही कर देती हैं, और वो ये है कि हम हार जाते हैं, हम अपनी उम्मीद हार जाते हैं, हम दुनिया से हार जाते हैं। अगर मुझे अंदर से आ गया कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता तो मैं गोल ही नहीं बनाऊंगा, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे डर का पार्ट आ जाता है। तो बेसिकली जब हमारे अंदर डर आ जाता है तो हमारा मन लगना बंद हो जाता है। बट आप बोलेंगे भैया कि यार मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं बस कर नहीं पाता हूं। तो यही चीज यार आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। जो ये डर होता है ना, जो ये मन ना लगने के बाद आने लगता है,
ये इतना ज्यादा हैवी लेवल का होता है, मतलब इतना हैवी लेवल का होता है कि आपको महसूस होना ही बंद हो जाता है। ये आपके अंदर कोने में, इतने कोने में जाके बैठ जाएगा कि ये पूरा आपको कैप्चर कर लेगा और आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आपको डर लग रहा है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तीन लेवल डर के समझाता हूँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। पहला, एक बच्चे ने स्टार्टिंग के 2 महीने में पढ़ाई करी और बाद में पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको लग रहा था यार मैं कुछ कर सकता हूँ, कर लूंगा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आई उसका डर थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसने खत्म कर दिया, उसने बोला मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। इसके बाद दूसरे लेवल का डर आता है, बच्चे के दिमाग में ये आया ही नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, और जब आखिरी में 1-2 महीने बचे तब उसको ऐसा लगा यार अब करना चाहिए। जब हमारा पहला स्टेज था वहां पर बच्चे को एटलीस्ट स्टार्टिंग में मन में आया था कि उसको पढ़ना चाहिए, उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी, स्टार्टिंग में भी करी, आखिरी में भी करी, भली फिर वो सक्सेसफुल हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लेवल पर स्टार्टिंग में उसके दिमाग में थॉट ही नहीं आया। जब आखिरी में लोगों ने उसको बताया कि अब तुम फेल हो सकते हो, 1-2 महीना बचा है, तो उसने रगड़ के पढ़ाई करी। और इसके बाद तीसरा टॉप लेवल का डर आता है, जब आपके दिमाग में डर ही खत्म हो जाता है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपको वहां ऐसे लोग मिलेंगे जो हंस रहे होंगे और बोल रहे होंगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। अभी आप अपने स्कूल में एग्जाम देने जाएंगे, आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, कई आपके पहचान में ऐसे लोग होंगे जो ये चीज बोल रहे होंगे कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे को तो 1 मार्क्स आ जाए बहुत बड़ी बात होगी। जब उनका रिजल्ट उनके सामने आएगा वो फेल हो चुके होंगे, उनको डर नहीं होगा, वो हंस रहे होंगे। तो क्या वो हंस रहे हैं, क्या वो खुश है? नहीं। इसे बोलते हैं डर का एक ऐसा लेवल जो उन पर पूरा काबू कर चुका है। अब उनको डर भी नहीं लगता क्योंकि उन्हें इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो ये भूल ही चुके हैं यार कि हर इंसान इंप्रूव कर सकता है। तो ये एक डर का लेवल होता है, मतलब हो सकता है डर आपके अंदर भी हो लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, आप महसूस ही नहीं कर पाते, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको समझ में आने लगेगा। मतलब जब ऐसा हो यार कि आपका मेहनत करने का मन ही हट जाए, सक्सेसफुल होने का मन ही हट जाए, आप में एकदम एक्सेप्टेंस आ जाए कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब समझ जाइए डर ने आप पर काबू जमा लिया। अब इसके बाद, ये तो डर की बात हो गई, तो आपको पूरा मैंने क्लियर किया यार, मन ना लगना कुछ नहीं होता है, डर होता है। जब आपके साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसा मैंने बताया, बहुत सारी इनसिक्योरिटी आ जाएंगी, डाउट आ जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा या इंटरेस्ट आ ही नहीं पाएगा, जब ऐसी पूरी चीजें होती हैं ना तो डर लगने लगता है। और ये डर अपना एक एक्सक्यूज निकाल के बाहर ले आता है, वो है यार कि मेरा मन नहीं है, मन नहीं हो रहा, ये चीजें होने लगती हैं। आपने भी अपने आप से कई बार सुना होगा, आपके अंदर से आवाज आती है अभी पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, ये सब डर का एक पार्ट है। तो अब बात करते हैं यार कि ऐसे क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने जिनसे हमें पता चले कि हमारे अंदर डर है और इनका सलूशन क्या है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं यार, क्या सलूशन के नाम पर मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग की चीजें बताऊंगा, मतलब अगर आपने इनको फॉलो किया तो धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा, लेकिन पूरी चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला। उसका सिंपल रीजन यार, इतना आसान नहीं होता है इस डर को काबू करना या इस डर को पूरी तरीके से खत्म कर देना, इसके लिए टाइम लगता है। वीक टू वीक की अलग अलग वीडियो आएंगी एक एक टॉपिक पर, एक वीडियो में इतनी चीजें क्लियर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं आपको बता पाऊंगा यार कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपन डर की बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे माइंड में आने लगते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा और आखिरी में कुछ सोल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा। तो जब एक टॉपर बच्चा बुक उठाता है ना, तो वो बुक उठाता है, जब वो YouTube में वीडियो देखता है पढ़ने के लिए तो वो वीडियो देखता है पढ़ने के लिए, जब वो क्लास पढ़ने जाता है तो वो क्लास में पढ़ने जाता है, मतलब उसके आजू बाजू और कुछ नहीं होता। लेकिन एक वो बच्चा जो टॉपर नहीं है, जब वो बुक उठाता है तो उसके दिमाग में हजारों क्वेश्चन होते हैं, जब वो YouTube पर वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में हजारों क्वेश्चन होते हैं, जब वो स्कूल जाता है या कुछ भी करता है उसके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन डर की वजह से होते हैं, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, डाउट होते हैं और एक इंटरेस्ट की कमी होती है। इसको हम देखेंगे यार, ऐसे तो हजारों क्वेश्चन हैं, लेकिन आज मैं ऐसे 5 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं जिनका अगर आपको सलूशन मिल गया तो सब चीजें सही होने लगेंगी। तो पहला बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है यार कि जब वो बुक उठा रहे होते हैं कि बुक कैसी होगी, सही होगी, गलत होगी कि डिफिकल्ट होगी। ये मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, भैया मैंने अभी सोशियोलॉजी पढ़ना ही चालू नहीं किया, मैंने हिस्ट्री पढ़ना ही चालू नहीं किया, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं करी, मतलब बुक डिफिकल्ट लग रही है तो हमने उसको छिया ही नहीं। आप मुझे बताइए, मैंने आपको जो सेकंड वीडियो बैकपैक ऑफ नॉलेज वाली वीडियो में एक चीज कही थी, मैंने आपसे कहा था कि जो बुक्स हैं वो आपको अच्छी चूज करना है। तो अगर आपने सेकंड वीडियो को फॉलो करा और हमारी बात सुनी तो ये क्वेश्चन तो अपने आप खत्म हो जाता है कि मेरी बुक कैसी। तो यार हमारे पास बुक तो अच्छी है, अब सवाल आता है बुक तो अच्छी है लेकिन मुझसे बनेगी कैसा, क्या होगा बुक में। तो एक सिंपल चीज बताता हूँ यार, जो बहुत एक कॉमन चीज है लेकिन हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते, वो ये है यार कि जो बुक का राइटर है
वो ये देखकर बुक लिखता है कि उसके रीडर कौन है। एक 12th क्लास के बच्चे को एमए लेवल की बुक नहीं मिलेगी। आप अकेले नहीं है जो वो बुक पढ़ने वाले, हर एक बच्चा जो आपकी एज ग्रुप का है, आप ही क्लास में वो पढ़ने वाला है, तो आपको आजू बाजू ऐसे लोग मिलेंगे जो वो बुक पढ़ रहे हैं और उनको मजा आ रहा है। तो एक चीज तो क्लियर कर लीजिए यार कि बुक डिफिकल्ट नहीं है, हम में कुछ कमी हो सकती है जिस वजह से हम उस बुक को समझ नहीं पा रहे जो आगे वाली वीक टू पीक में क्लियर हो जाएगी। सबसे तो डर आपको मिटाना है कि बुक डिफिकल्ट है। बुक डिफिकल्ट है ही नहीं, वो हमारे लिए ही लिखी गई है, हमें बस उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। गलत तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले इस चीज को आपको निपटाना है। इसके बाद दूसरा बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, यार मुझे याद होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं समझ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मतलब यही उनको नहीं समझ में आता है, उनको लगता है बुक तो खोल लूंगा लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, मेरे ज्यादा समय मेरे दिमाग में नहीं रहेगा। अरे भाई, आजू बाजू आपके लोग हैं कि नहीं है जो उस बुक को पढ़ रहे हैं, जिन्हें वो चीज समझ में आ रही है, हम वो बुक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो उस बुक को पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कुछ चीजें हैं यार जिन पर हमें काम करना है। उन चीजों पर अगर हमने काम कर लिया तो बुक हमें समझने भी आने लगेगी और हमें इजी लगने लगेगी। आगे वाली वीडियो की जो आएंगी इन टॉपिक पर, उनको अच्छे से आपको देखना है। तो ये डर निकाल दीजिए। हमेशा यार ये देखिए कि आप अकेले नहीं हो सिचुएशन में, और भी लोग हैं। अगर सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि सबको वो बुक समझ में नहीं आ रही, तो भाई पक्का बुक में कोई गड़बड़ी है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो उस बुक को बड़े बिंदास तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको इजी लग रही है, वो तो दुनिया को पढ़ा रहे हैं उस बुक को, तो आपको क्यों डिफिकल्ट लग रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने वो बुक दो बार खोल के ही बंद कर दी? ये भी अच्छे से समझने की हमें जरूरत है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बुक को मैं पढ़ो 5 बार खोला, एक आध पेज पढ़ा, बंद कर दिया, अरे भाई बुक नहीं समझ में आ रही। वो जो टॉपर बच्चे को देख रहे हैं कि वो बुक को हंसी खेल तरीके से पढ़ता है, उसके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा। एक समय उसको भी बुक से डर लगता होगा, उसको भी बुक समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो मेहनत करता गया। तो हमें उस लेवल पर डेवलप होने में टाइम लगेगा, लगने दीजिए, डरिए मत, बार बार बुक खोलिए, बार बार पढ़िए। आपको भी एक टाइम आ जाएगा जब एकदम इजी लगने लगेगी, आगे वाली वीडियो को फॉलो करेंगे तो और इजी लगने लगेगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में जाता है। इसके बाद तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, वो है कि भाई लोग तो कितने आगे निकल गए। मतलब कुल मिला के ये होता है, हम पढ़ने बैठते हैं और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आने लगते हैं, यार वो टॉपर तो बोल रहा था कि उसने फर्स्ट बुक कर ली है, अभी तो मैंने चालू ही नहीं करी, मैं कैसे कर पाऊंगा? यार वो तो बोल रहा था उसको सब्जेक्ट कितना ईजी लग रहा है, उसको तो रीडिंग बहुत आसानी से हो जाती है, मुझसे तो होती नहीं है, मैं लेट हो गया हूँ क्या, वो आगे बढ़ गया है क्या? मतलब कुल मिला के हम अपने आपको कंपेयर करते हैं कि लोग हमसे कितना आगे निकल गए। इसको यार मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। टाइम एक बहुत बड़ी चीज है, अभी आपके पास टाइम है, तो यहाँ पर एक अच्छे से एक चीज को समझिए। लंच हुआ, लंच में एक बच्चा दौड़ के गया और कैंटीन में सबसे सामने खड़ा हो गया, क्योंकि यार समोसे मिल रहे हैं। बाकी एक बच्चे ने आलसी कर दी और लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गया, तो भाई जो सामने खड़ा है उसको तुरंत समोसा मिलेगा, वो खाएगा और चला जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, उनको लगता है यार उसको समोसा मिल गया, उसने खा लिया, मैं हार गया। अरे नहीं भाई, कैंटीन में आप सबसे आगे खड़े हो चाहे सबसे पीछे खड़े हो, समोसा हर एक को मिलना है। हाँ, अब अगर कैंटीन बंद हो गई, लंच खत्म हो गया और अब आपका दिमाग चेत रहा है कि मुझे समोसा खा लेना चाहिए, तो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो लाइन में आप कहीं भी खड़े हो उससे अंतर नहीं आता, बस अंतर ये आता है कि आप जितना लेट हो गए उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और हम सबसे ज्यादा इंपेशेंट हो जाते हैं। जो बच्चे टॉपर नहीं होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत इंपेशेंट है, वो रीडिंग करने बैठेंगे उनको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, वो हार मान लेंगे। अरे भाई, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि आप लेट आए हो, वो बच्चा बहुत पहले से आ गया, वो पहले से मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन आपको समोसा मिलेगा। अगर आप लाइन में सबसे पीछे हो तो ज्यादा देर धूप में खड़ा होना पड़ेगा, ज्यादा देर भूखा आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन समोसा आपको भी मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप पीछे हैं तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, इंपेशेंट नहीं होना है, हमको पेशेंस के साथ काम करना है। और ये पेशेंस इतनी दमदार चीज है यार कि यही आपको आगे बढ़ाएगा। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आप एक लाइन में खड़े होकर पेशेंस के साथ स्किल एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आपको दौड़ना पड़ेगा। जैसे अब आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, एग्जाम को 2 महीने बचे, तो भाई जितने बच्चे हैं उन सबके पास ही 2 महीने बचे। आप यहां पर कौन सा बच्चा कितने अच्छी तरीके से अपनी स्किल को इंप्लीमेंट कर सकता है, वो बताएगा कि वो बच्चा कितने आगे बढ़ने वाला है। फर्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंटेशन का प्रॉमिस मैंने आपसे लिया, तो बेसिकली यही चीज है, जो बच्चा टाइम टेबल अच्छा बना लेगा, सपोज करिए एग्जाम को 100 दिन बचे, एक बच्चा जिसका पेशेंस है क्योंकि वो इतने समय से मेहनत कर रहा है, स्किल एक्वायर कर रहा है और हार नहीं मान रहा है, वो बोलेगा मेरे 100 चैप्टर बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, मैं डेली 1 चैप्टर करूंगा। लेकिन एक बच्चा जो बहुत ही इंपेशेंट है, उसको आइडिया नहीं है, उसको स्किल का यूज करते नहीं बनता, वो बोलेगा मैं 2 दिन में निपटाऊंगा सिलेबस, वो 50 चैप्टर करने बैठेगा, वो नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा।
तो भाई पेशेंस बहुत जरूरी है, और जब टाइम है जब आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमें अभी इंपेशेंट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। लाइन में आप कहीं भी हो डजंट मैटर, आपको मेहनत करना है। अगर आप लाइन में पीछे हैं, मतलब मेरा कहना है आप लेट हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए यार, जो बंदा समोसा लेने के लिए सबसे पहले जाकर खड़ा हुआ, एक समय वो भी लास्ट में खड़ा हुआ होगा, और उसको पता होगा कि लास्ट में खड़े होने की वजह से क्या क्या हो जाता है। मतलब जो बच्चा टॉपर है, एक समय उसने भी मेहनत करी होगी यार, उसने भी बुक को पढ़ा होगा, तो उसको डर लगा होगा, लेकिन वो हार नहीं माना होगा। अब आपका समय आया है, तो हमें डरना नहीं है यार, डर को हटाइए। हम लाइन में कहीं भी हो, हम आगे पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल, और अगली बार हम लाइन में सबसे आगे होंगे, क्योंकि हमको पता है कि लाइन में अगर पीछे खड़े हो तो कितनी मेहनत लगती है। इसके बाद चौथा एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में आ जाता है, लोग क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा बच्चों के मन में आता है, मतलब 99% बच्चों के दिमाग में आता है, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग कहते रहेंगे, आप कुछ करो चाहे कुछ ना करो, लोग हमेशा कहेंगे। और मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है यार, आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आपसे सीढ़ी चढ़ते नहीं बनती, आप सीढ़ी में मेहनत करके चढ़ रहे हो, और एक बंदा है जो सामने खड़े होकर सिर्फ देख रहा है, और उसके बाद आप उस सीढ़ी से गिर जाते हो और वो हंसने लगता है, तो क्या यहाँ पर हमें बोलना चाहिए लोग क्या कहेंगे। जो बंदा जब आप मुसीबत में थे, जब आप मेहनत कर रहे थे, आपके साथ नहीं था, तो जब आप फेल हो रहे हो या जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, उस समय उसके वहां होने ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है। हमें सिर्फ उन लोगों का सुनना चाहिए या जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ थे, जब हम आगे बढ़ रहे थे हमारे साथ थे। आपके पेरेंट्स अगर आपको डांटते हैं चिल्लाते हैं तो चलता है, अगर वो बोलते हैं यार तुम सही रास्ते पर नहीं हो तो चलता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी लाइफ से लेना देना ही नहीं है, वो कुछ कहता है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि लोग क्या कहेंगे, तो भाई आप मूर्खों वाली हरकत कर रहे हो, बिल्कुल आपको हार्श वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ। सोचते रहिए, लोग तो कहते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसको तो आपको तुरंत हटाना ही है आज। इसके बाद पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, वो है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये क्वेश्चन आता है, इसका बच्चों को सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, बच्चे हार मान जाते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि वो प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, मैंने मन में डर बना लिया और उस डर ने मुझे कैप्चर कर लिया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हार का मतलब ये नहीं होता कि हम फिर से खड़े नहीं हो सकते। अब आपको 5 सोल्यूशन बता देता हूं जल्दी से, ये ऐसे सोल्यूशन है यार जो आपको स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन हमारी नहीं है। आखिरी में पूरी पर्टिकुलर वीडियो आएंगी इन टॉपिक पर, जो आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर देंगी। अभी इन 5 सोल्यूशन को हम देखते हैं, कुछ लाइंस में आपको बोलूंगा और इनको समझने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। तो यार हमारा पहला सोल्यूशन आता है, याद रखो आप सर्वश्रेष्ठ हो और सबसे ज्यादा ग्रेट हो। यार भगवान ने एक बहुत शानदार चीज करी है, वो ये है कि हम सबको अलग बनाया है। तो आपको सबसे पहले तो ये रियलिटी समझना है कि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम क्यों आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। आप अलग हो, आपको अपने जैसा मास्टरपीस और कोई नहीं मिलेगा, तो आप पहले से विनर हो। लेकिन अब एक चीज आती है, वो यार हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। हम पहले से विनर हैं, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम बेस्ट हो गए, हमें आगे बढ़ते रहना है। और हम सब अलग हैं, और उसके बाद भी कई बार हमें एक ही कंपटीशन में उतार दिया जाता है। एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन हो, कोई इवेंट हो, वहां पर यह नहीं देखा जाता आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हो, आप सबको एक कॉम्पिटिशन में उतार दिया जाता है। तो यहां पर आपको ये समझना है यार कि अगर मैंने अभी अपने आप को डेवलप नहीं किया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं रेस से बाहर हो गया या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। सामने वाले ने अपने आप को उस लेवल का डेवलप कर लिया। भगवान ने दिमाग सबको सेम दिया और सबको अपनी अपनी खासियत दी है, अपनी अपनी क्वालिटी है, और हर क्वालिटी आपको हर काम में किसी ना किसी वे में मदद कर रही होगी। तो आपकी जो क्वालिटीज है उनको निखारिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को सही करिए, सोचने के मैकेनिज्म को सही करिए। आज जो बंदा हर कॉम्पिटिशन जीत रहा है, उसने अपने अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आ गया कि स्टेज पर उसके हाथ पांव नहीं कपकपाते। उसने अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ा लिया है, रिमेंबरिंग स्किल को बढ़ा लिया है, उसने अपने आप को हर स्फीयर में आगे बढ़ा लिया। तो आपको यही करना है यार, अपने पुराने पुर्जों को अब सही करने का समय आ गया है, और ये होगा मेहनत से। आगे बढ़ना है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड सोल्यूशन आता है कि मेहनत करना पड़ता है अगर बात हो कुछ पाने की। मेहनत करना पड़ता है अगर बात हो कुछ पाने की। ऐसे ही चाबियां नहीं मिलती अपने सपनों को सजाने की। अगर आपको अपने सपनों को सजाना है, तो उन सपनों को सजाने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। मेहनत करिए। जब आप सो रहे हैं तो कोई ऐसा बच्चा है जो समय पढ़ रहा है,
जब आप सोच रहे हैं मैं कल से पढ़ लूंगा, तो कोई बच्चा है जो एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर रहा है। जब आप बैठे हुए हैं तो कोई एक बच्चा है जो नई नई स्किल देख रहा है, एक्वायर कर रहा है उनको। जब आप बोलते हैं मैं बोर हो रहा हूं, तो कोई अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए नई नई हॉबीज डेवलप कर रहा है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए। एक बार गिरेंगे फिर से उठिए, 10 बार गिरोगे फिर से उठो और आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद तीसरा सोल्यूशन आता है, गोल बड़ा रखना। अगर आपका गोल है बस मैं पास हो जाऊं, तो क्यों पढ़ोगे, पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं आता है। गोल बड़ा रखो। अगर आपका गोल है कि मैं टॉपर बनूंगा इंडिया में, तो पास होना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, टाइम टेबल फॉलो करना, अच्छी स्किल एक्वायर करना, सब उसके अंदर आ जाएगा। तो गोल बड़ा रखो। जरूरी नहीं है वो गोल अचीव होगा नहीं होगा, ये है कि उस गोल को अचीव करने के लिए हम अपना पूरा मेहनत करेंगे। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। मेहनत करते जाओगे तो अपने आप डेवलप होगे। तो गोल एकदम बड़ा रखो। इंटरेस्ट लाना है तो गोल होना बहुत जरूरी है। गोल बड़ा है तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा, मन आपका अपने आप लगेगा। इसके बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन मार्क हटाओ और फुल स्टॉप लगाओ। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम बोलते हैं मुझसे चैप्टर की रीडिंग करते नहीं बन रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम उठ के चले जाते हैं। जबकि आपको बोलना चाहिए कि मुझे चैप्टर समझ क्यों नहीं आ रहा। क्वेश्चन मार्क के लिए एक सोल्यूशन का फुल स्टॉप देखना है आपको। लोगों से पूछो, हमें कमेंट करो, तो पेरेंट्स से पूछो, टीचर से पूछो, सबसे पूछो कि भाई ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्यों मैं रीड नहीं कर पा रहा, मुझे याद नहीं होता मैं नहीं पढ़ूंगा, अरे मुझे याद क्यों नहीं होता, ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन मार्क हटाइए और फुल स्टॉप लगाइए। हमेशा सबसे पहला स्टेप आता है क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ऐसा क्यों होता है, हार नहीं मानना, क्वेश्चन मार्क आएगा। और उसके बाद अब इस क्वेश्चन मार्क को मैं कैसे हटाकर यहाँ फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, कैसे इसका मैं सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, तो ये काम आपको करना है। और इसका पांचवा सोल्यूशन आता है, जो मुझे लगता है आप सबको पता ही है, आपको वीक टू पीक सीरीज को पूरा फॉलो करना है। ऐसे ही वीडियो नहीं आ रही यार, बड़ी मेहनत कर पूरा एकदम स्क्रिप्ट लिखकर वीडियो लेकर आते हैं। स्क्रिप्ट इसलिए लिखते हैं यार कि आपको आसानी से समझा पाए, ऐसा ना हो कि हम कुछ बोल के चले जाए और आपको समझ में ना आ पाए। तो बिल्कुल डिटेल, बारीकी में जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर आते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीक टू पीक आपको पूरी फॉलो करना है, स्किप आपको नहीं करना है। और प्लीज दूसरों के साथ शेयर करिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसी एक सीरीज की जरूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही रहेंगे, बाकी कॉमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। बाकी मैं तो चलता रहूंगा आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।